वेलकम टू बीबी न्यूज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले देर रात वह मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने अपने साथ हुए सांप काटने की घटना के साथ आने वाली फिल्मों के बारे में भी ढेर सारी बातें की। सलमान खान ने अपनी बहुचर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल को लेकर भी मीडिया से बात की। सलमान खान ने फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल के टाइटल का भी खुलासा किया। उन्होंने यह भी बताया है कि बजरंगी भाईजान के सीक्वल में मशहूर निर्माता निर्देशक एसएस राजामौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद भी उनका साथ देंगे, जिसके चलते सलमान खान और केवी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के सीक्वल का नाम पवन पुत्र भाईजान रखा है। बता दें कि फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान खान के किरदार का नाम पवन होता है, ऐसे में फिल्म के सीक्वल का नाम उनके किरदार पर रखा गया है। वही फिल्म पवन पुत्र भाईजान के अलावा सलमान खान ने अपनी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के बाद नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू किया जाएगा। फिल्म नो एंट्री साल 2005 में आई थी। इस मल्टी स्टारर फिल्म में सलमान खान के अलावा अनिल कपूर और फरदीन खान सहित कई कलाकार मुख्य भूमिका में थे। आपको बता दें कि सलमान खान आज अपना 56वां बर्थडे अपने पनवेल फार्म हाउस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान ने देर रात इस जश्न को मीडिया और पेपराजी के साथ मनाया। भाईजान के फार्म हाउस पर सेलिब्रेशन के लिए कई सेलेब्स पहुंचे हैं। बॉबी देओल, संगीता बिजलानी, सैफ अली खान के बेटे इमरान अली खान, निखिल द्विवेदी, रजत शर्मा, वत्सल सेठ, अतुल अग्निहोत्री, अलवीरा खान अग्निहोत्री जैसे सेलेब्स शामिल है। वही रविवार को सलमान खान को बड़े हादसे का सामना करना पड़ा था। उन्हें पनवेल के पास उनके फार्म हाउस पर एक सांप ने काट लिया था। इसके बाद सलमान खान को तुरंत नवी मुंबई के कामोठे के एक अस्पताल में ले जाया गया और रविवार सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए भी सलमान खान की तस्वीर वायरल हुई थी। तो दोस्तों, आप सलमान खान के आने वाले फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।